नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा मॉडल पेपर लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा टेस्ट होगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। और मैं आप सभी को बोल देता हूँ कि हर शाम 9 बजे हमारा आर्मी का लाइव क्लास होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हर शाम 9 बजे हमसे लाइव जुड़िएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा कि आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाई विच मुगल इंपेरियर, यानी कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी अकबर, या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अकबर। जो भी लाइव चैट में बताए उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल जो बनवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन को। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विथ विच गेम इज द वाजिर हर्ष किंग एंड क्वीन रिलेटेड, यानी कि किस खेल से वजीर घोड़ा राजा और रानी संबंधित है। ऑप्शन आपका बैडमिंटन, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी लूडो, या ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी शतरंज, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी को बोल देता हूँ कि आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको टेस्ट लगाने में मजा भी नहीं आएगा। तो इसी कारण मैं आप सभी से बोलता हूँ कि आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिएगा, तीन नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी। ऑप्शन आपका लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द रिवर गंगेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी जयपुर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि द बुक ऑन द यूज ऑफ ट्रूथ इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ, यानी कि सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि दिस सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि यूनेस्को के द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, या ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्थान और स्मारक सही है। ऑप्शन आपका हवा महल पंजाब, ऑप्शन बी विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी नालंदा असम, या ऑप्शन नंबर डी लाल किला उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया मेमोरियल जो होता है आपका पश्चिम बंगाल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा, हवा महल जो होता है आपका राजस्थान के जयपुर में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है, और नालंदा जो होता है वो आपका बिहार में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है, और लाल किला जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, कहां पर होता है, दिल्ली में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमसे पूछा था कि यहां इन चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया मेमोरियल जो होता है आपका पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट भी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका टॉप 7 जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, आठ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हो प्रोड्यूस सिल्क, यानी कि रेशम का उत्पादन किससे होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि रेशम का उत्पादन किससे किया जाता है। ऑप्शन आपका रेशम कीट के अंडे से, ऑप्शन बी रेशम कीट के पयूपा से, ऑप्शन सी रेशम कीट के लार्वा से, या ऑप्शन नंबर डी स्वयं कीट से। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेशम कीट के पयूपा से। जो भी ऑप्शन बी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। द कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव
दोनों शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है? ऑप्शन है आपका कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी वृक्क या ऑप्शन नंबर डी आंख। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि कॉर्निया जो होता है वो हमारे शरीर का किस भाग का एक अंग है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंख, जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, और 100+ बंदों को लाइव लेकर आओ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम 100 से भी ज़्यादा बंदों को आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के लाइव जुड़िए, क्योंकि मज़ा आता है मेरे दोस्तों। अगर आप 100 से भी ज़्यादा लाइव हो तो बहुत मज़ा आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन आपका डायनेमो, ऑप्शन बी हीटर, ऑप्शन सी मोटर या ऑप्शन नंबर डी बैटरी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैटरी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा डायनेमो जो होता है वो आपका यांत्रिक से विद्युत में बदलता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच मेटल्स कॉज मोर एयर पोल्यूशन, यानी कि कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? ऑप्शन आपका लोहा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी क्रोमियम या ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो धातु है वो सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीसा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच पार्ट ऑफ द आई इज यूज इन द आई डोनेशन। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी नेत्र लेंस या ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, यानी कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका खून में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी मूत्र में या ऑप्शन नंबर डी पसीने में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मूत्र, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, यानी कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आपको बताना है कि पुष्पों का अध्ययन यानी कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी एग्रोस्ट्रोलॉजी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एंथोलॉजी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा फाइकोलॉजी में हम लोग सवाल का अध्ययन करते हैं, किसका? सवाल का अध्ययन करते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा पार्ट सी जो कि आपका गणित का होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना है, और जल्दी से मैथ को सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यदि उनका गुणनफल 875 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। देखो 2 संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया 7:5, तो मैं मान लेता हूं कि माना कि अनुपाती राशि x है, यानी कि 1 हो जाएगा 7x और 1 हो जाएगा हमारा 5x। इसके बाद बोला है कि उनका गुणनफल 875 है, लेकिन दोनों का गुणनफल 875 हमें दिया गया। तो देखो 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 35 आ जाएगा, और x में x करेंगे तो हमारा 35x² = में 875 हमें दिया गया है। अब देखो 35 से कितना बच जाएगा, 35 आपका आ जाएगा 25 मर्त में, यानी कि x² = हमारा हो गया 25। तो अगर हम square = के राइट साइड लेकर जाएंगे तो हमारा स्क्वायर क्या बन जाता है, हमारा रूट बन जाता है, यानी कि x कितना हो जाएगा रूट में हमारा 25 हो जाएगा। तो रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है, तो आप सभी को पता है कि 7 और 5 में सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी कौन है, तो 7 है, यानी कि 7x है, और x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू हमारा 5 आया है। तो अब आराम से हम गुना कर देंगे तो हमारे सामने बड़ी संख्या निकल के आ जाएगा, यानी कि 7 में अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 35 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आप सभी को जल्दी से दोबारा क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखो घन का आयतन हमें 2197 दिया गया है, तो हमसे पूछा है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी को बताना कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो होता है वो आपका 6 × a² यानी कि 6 × भुजा स्क्वायर होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका भुजा पता होना चाहिए। तो देखिएगा घन का आयतन हमें दिया है 2197, तो भुजा हम आराम से इसे निकालेंगे, तो भुजा निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, क्यू रूट आयतन, क्यू रूट आयतन, तो आयतन मेरा है
97। तो अब देखो क्यू रूट अगर 197 को तोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 आएगा। तो पूछा है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपका 6 × a² यानी कि 6 × भुजा² होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 169 आ जाएगा, और 169 में 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1014 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 1014 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर बेसाइड ऑन द एंगल, यानी कि कौन के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताया, तो जल्दी से बताइएगा कि कौन के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चाहे आपसे कौन का पूछे या भुजा के आधार पर पूछे। तो देखिएगा कौन के आधार पर होता है 3, और भुजा के आधार पर भी आपका होता है 3, इसे आपको ध्यान में रखना है। कौन के आधार पर होता है, एक समकोण, अधिक कोण और एक न्यून कोण होता है। और भुजा के आधार पर बात करें तो एक होता है हमारा समद्वि बाहु, और एक होता है हमारा समबाहु, और एक होता है विषम बाहु, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा, और थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपसे बन जाएगा। तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, देखो एक आदमी है जो एक जगह से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस भी आ गया, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही होगी। आपको बताना है कि उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल हमें बताना है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2xy/x + y, क्या होता है 2xy/x + y। अब देखो x और y जो हुआ वो जाने और आने का आपका चाल हो गया, इसे आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, और चाल यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गया था, यानी कि 4 यहाँ पर, और y का वैल्यू मान लेते हैं 16, और बट्टे में कितना होगा 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, यानी कि 4 × 2 = 8 और 16 × 8 कितना होता है 128 और बट्टे में 20। अब आराम से कट लगा लेंगे कितना, 20 × 6 = 120 होता है और 20 × 4 = 80, यानी कि कितना आएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी लाइव चैट में बताएं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है, तो इसकी एक भुजा की माप बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है, तो इसकी एक भुजा हमें बताना है। अगर आपको क्षेत्रफल दिया है और अगर आपसे भुजा पूछता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है √_क्षेत्रफल, क्या होता है √_ हमारा एरिया का, यानी कि √_क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, यानी कि √_ में अगर हम लोग 3600 करेंगे तो 3600 का वर्गमूल कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60 होता है, तो यहां पर हमारा भुजा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर, जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिसका वेतन 910 रुपये हो गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो एक कर्मचारी है जिसका वेतन 30% बढ़ा दिया गया, और देखो उसका वेतन जो था वो 910 रुपये हो गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। 910 रुपये उसका वेतन हो गया कितना, 30% बढ़ाने पर, तो गुना का 100 हमने लिखा और बट्टे में 130। अब आराम से कट लगाना होगा, 10 से 10 13 × 7 = 91 और यानी कि 70 हो गया, और यहाँ पर हमारा 10 हो गया, यानी कि 70 में अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 700 रुपये आएगा। ऑप्शन सी 700 रुपये यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन मैथ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका GK GS मैथ को मिला करके कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं आप सभी को बोलता हूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, और इस जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपये है तो 45 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। बहुत ईजी है, देखो 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपये है तो एक पुस्तक का कितना हो जाएगा 10 रुपये का हो जाएगा। तो पूछा कि 45 पुस्तकों का मूल्य, यानी कि 45 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 450 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 450 रुपये यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा पार्ट जो कि आपका रीजनिंग का होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में
इंडिया को हम लोग ये लिखा जाता है तो भारत को क्या लिखा जाता है, आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो इंडिया को क्या किया गया, तो हमें सीधा ही इंडिया को उल्टा करके लिखा है, यानी कि आई एन डी आई ए है, तो हमें कुल भाषा में क्या दिया गया है, ए आई डी एन आई हमें दिया गया है, यानी कि उल्टा किया जा रहा है। आपको पता चल गया कि एक लॉजिक लग रहा है कि हमें सीधा ही उल्टा कर देना है। तो जैसे ही भारत को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या जाएगा, टी आएगा, उसके बाद हमारा ए आएगा, उसके बाद हमारा आर आएगा, उसके बाद हमारा ए आएगा, उसके बाद हमारा एच आएगा, उसके बाद कितना आएगा, बी आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो भी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को, 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। ऑप्शन आपका प्रकाशक है, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन संपादक है, या ऑप्शन नंबर डी पाठक। इसका राइट आंसर आप सभी को इंच डब्ल्यू के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके इंच डब्ल्यू के तौर पे बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रेम का संबंध घृणा से है तो वैसे ही मित्र का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है आपका शत्रु, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी भक्त, या ऑप्शन नंबर डी विश्वासी। तो देखिएगा मित्र यानी कि प्रेम का जो संबंध है घृणा से यानी कि ओपोजिट हो रहा है, तो वैसे ही मित्र का संबंध किससे होगा, तो मित्र का संबंध जो होगा वो आपका एनिमी यानी कि शत्रु से होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि पोशाक का संबंध जो होता है आपका दर्जी से होता है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है आपका चमड़ा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी फर्नीचर, या ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो भी लकड़ी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहले बने तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।